सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़बे एएस आज कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के हमारे लेक्चर नंबर 6 में हम पांच क्रमांक का पाठ देखेंगे। पाठ का नाम है मधुबन। मधुबन इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक का परिचय लेंगे, उसके बाद पाठ हम विस्तार से देखेंगे और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी हम देखेंगे। हमारे आज के पाठ का नाम है मधुबन और यह अनुराग वर्मा जी लिखित है। सबसे पहले हम अनुराग वर्मा जी का परिचय लेंगे। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषाधारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी में जाने माने लेखक है। अब गद्य संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। अब हम पाठ विस्तार से देखेंगे। देखिए, साक्षात्कार लेने के लिए अनुराग वर्मा जी श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के घर गए हैं। अब साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू। वर्मा जी अनुराग वर्मा जी इंटरव्यू लेने के लिए गए हैं। अब देखिए, सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अब अनुराग वर्मा जी एक बहुत बड़े जो साहित्यकार है उनके घर उनका साक्षात्कार लेने के लिए पहली बार जा रहे थे और उनको पता नहीं था कि वो कैसे है, उनका स्वभाव कैसा है ना। तो इसलिए वो जो समय तय हुआ था इंटरव्यू का 10 बजे का, उससे पहले वो जाने की कोशिश कर रहे थे। रामकुमार वर्मा जी का जो घर था उसका नाम मधुबन है और वो प्रयाग स्टेशन स्थित है। वहाँ पर वो जल्दी जल्दी जाने के लिए तैयार हो गए। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। अब देखिए, उत्सव और संगोष्ठियाँ मतलब क्या है? विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों की चर्चा जो होती है उसको हम संगोष्ठी कहते हैं। उत्तम साहित्य के लिए सम्मेलन और संगोष्ठियाँ अत्यंत आवश्यक होती है। इनमें साहित्य से जुड़े अनेक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और चर्चा करते हैं, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। देखिए, लेखक कई बार उनके उत्सवों और संगोष्ठियों में सम्मिलित हुए थे, उनको देखा था, उनको जानते थे, लेकिन निकटता से उनका परिचय उनको बिल्कुल भी नहीं था। अब लेखक के दिमाग में सवाल, विभिन्न विचार आने लगे, विभिन्न सवाल आने लगे कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा होगा उनका व्यवहार, वे साहित्य मनीषी है। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। कई सारे सवालों के साथ वे वर्मा जी के घर पहुंच गए। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? देखिए, परिचय देने से पहले ही उनका नौकर, जो डॉक्टर रामकुमार जी के घर का नौकर था, वो पूछते हैं लेखक से कि क्या तुम अनुराग वर्मा जी हो? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। देखिए, एक बहुत बड़े साहित्यकार है और उनकी ये झलक हर बात में झलकती है। जो 10 बजे का टाइम तय हुआ था उसी समय उन्होंने अपने नौकर को पहले ही हिदायत दे दी थी कि अनुराग जी यहाँ आने वाले हैं, और आते ही वो उन्हें प्रश्न करते हैं कि आप कैसे हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। अब अनुराग वर्मा जी उनका इंटरव्यू, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और वे उनसे सरलता से कहते हैं कि मैं आपके जीवन की कुछ ऐसी प्रेरणादायक घटनाएँ जानना चाहता हूँ इस इंटरव्यू में। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए, और वो तैयार हो गए उनके सवालों के जवाब देने के लिए।
पहला प्रश्न अनुराग जी पूछते हैं, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिनसे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। अब देखिए, अनुराग वर्मा जी ने काव्य रचना की प्रेरणा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को कहाँ से मिली, इस बात पर वो प्रश्न पूछते हैं और उसके उत्तर में डॉक्टर वर्मा जी कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज के अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ था। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। देखिए, व्यवधान मतलब बाधाएं। अनेक बाधाओं के बावजूद उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सहभाग लिया और उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 15 साल। उस समय स्कूल छोड़ने के बाद तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माइका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। देखिए, वो समय क्रांति का समय था, स्वतंत्रता युद्ध का समय था, स्वतंत्रता संग्राम तब हो रहे थे, सत्याग्रह हो रहे थे और उस समय अंग्रेजी की तालीम लेना मतलब अंग्रेज़ों का गुलाम बनना ऐसा माना जाता था। अंग्रेज़ों ने ये अंग्रेजी स्कूल इसलिए शुरू किए थे कि उनको उनके हाथ के नीचे काम करने वाले गुलाम मिल सके जो पढ़े लिखे हो, और ये बात गांधी जी को पसंद नहीं थी, जो क्रांतिकारी थी उनको पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई और कहा कि जो देशभक्त है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने सबसे पहले ये तय करना है कि हमें अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं बनना है, अंग्रेज़ी जो विलायती कपड़े हैं वो नहीं पहनने हैं और उसी के साथ जो अंग्रेज़ी तालीम है, जो पढ़ाई है वो भी हमें नहीं करनी है, हमें अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं बनना है। ऐसा जब मौलाना शौकत अली साहब ने कहा तो उसका बहुत ज़्यादा असर रामकुमार वर्मा जी पर हुआ और उसी कारण अब देखिए रामकुमार वर्मा जी क्या कहते हैं, मैंने अपनी माँ के आगे बड़ा ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, लोगों ने बहुत समझाया। देखिए, अब रामकुमार वर्मा जी ये कोई साधारण घर से नहीं थे, वे डिप्टी कलेक्टर के बेटे थे और इतनी बड़े ओहदे पर जो व्यक्ति है और उसका बेटा कह रहा है कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल छोड़ रहा हूं, ये जो घोषणा जब रामकुमार वर्मा जी ने की तब सभी लोग उसको देखते ही रह गए, सत्ते में आ गए और ये विद्रोह ये क्यों कर रहा है, उसको काफ़ी समझाने की कोशिश सभी ने की। पिताजी की नौकरी की बात कही परंतु मैं घर से निकल पड़ा। अब सभी ने उनको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी सुनने वालों में से तो थे नहीं। वो अपने जो उन्होंने तय किया था उस पर वो कायम रहे और उन्होंने उसके लिए अपना घर तक छोड़ दिया क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्यैव देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था। देखिए, विद्रोह किया और इतना बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत भी चाहिए होती है और केवल 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये विद्रोह देश के लिए किया था। राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करते थे। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। देखिए, वो समय राष्ट्रभक्ति का था, देश के लिए कुछ कर गुजरने का था, हर किसी के मन में देश के प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था थी, देश को स्वतंत्र करने की आग सभी में जल रही थी और इसी वजह से तब एकदम सुबह के समय प्रभात फेरी निकाली जाती थी, हाथ में राष्ट्रध्वज लेकर प्रभात फेरी के वक्त गाने गाए जाते थे और इससे ही प्रेरित होकर 1921 में सबसे पहले रामकुमार वर्मा जी ने अपनी पहली कविता देश प्रेम पर आधारित लिखी थी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था, मतलब यही उनकी कविता का आरंभ था, प्रारंभ था। अब अनुराग वर्मा जी दूसरा सवाल पूछते हैं, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए?
अब उत्तर में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। हिंदी न होने की वजह से उनको नागपुर विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा और उनको उत्तर प्रदेश आना पड़ा। उन्होंने विश्वविद्यालय में से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उस वक्त उत्तीर्ण की हुई थी। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खोसे गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। देखिए, जब वो अपने कॉलेज के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में बता रहे थे, तब उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई दे रहे थे और उन भावों को लेखक अनुराग वर्मा जी भाप गए थे। उनको दिख रहा था कि अब राम कुमार वर्मा जी अपने अतीत में खो रहे हैं। तभी उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा। डॉक्टर साहब, प्रायतः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायतः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। अब देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी बहुआयामी एक लेखक है। उनमें कई सारे गुण हैं, जैसे वो कविताएं लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, साहित्य में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान है, और उसी के साथ उन्हें अभिनय भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कई सारे उत्सवों में, नाटकों में भी उन्होंने भाग लिया हुआ है। और 1930 में उन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा है। अब आगे अनुराग वर्मा जी फिर से सवाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अब उत्तर में राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। देखिए, अब राजनीति के बारे में जब लेखक ने सवाल पूछा, तब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि नहीं, मैं राजनीति से कोसों दूर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं एक साहित्यकार हूँ, लिखना मेरा शौक है, मेरी पसंद है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी भाई जी, इन सभी के साथ मेरा परिचय है, उन सभी के साथ मैं रहा हूँ, लेकिन मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य में ही रमना पसंद करता हूँ। इस प्रकार अनुराग जी के काफ़ी सारे सवालों के उन्होंने बहुत ही रोचक उत्तर दिए, और जैसे ही 11:30 बजे वे साक्षात्कार ख़त्म करके जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनको कुछ और कार्य के लिए बाहर जाना था, और बड़ी कुशल और अभिभावक की भांति उन्होंने लेखक को आशीर्वाद दिया और उनको वहाँ से विदा किया। इस प्रकार मधुबन, यह अनुराग वर्मा जी का एक साक्षात्कार है, एक इंटरव्यू है जो उन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का लिया है, और इस प्रकार ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब पाठ के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द आए हैं जो इस प्रकार थे। संगोष्ठी मतलब, जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र, किसी विषय पर विशेषज्ञ की चर्चा होना, इसको हम संगोष्ठी कहते हैं। तालीम का मतलब है शिक्षा या उपदेश। उसी प्रकार पाठ में व्यवधान, ये शब्द भी आया था। व्यवधान का मतलब है बाधा।
और नुस्खा इसका मतलब है उपाय। इस पाठ के अंतर्गत मुहावरे आए थे, वो है ज्वार उठना मतलब विचारों की हलचल होना, बहुत ज़्यादा विचार मन में चलना। सत्ते में आना मतलब घबराना, अति भयभीत हो जाना, डर जाना, इस प्रकार के ये शब्द है। अब हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर नंबर 7 में हम कविता देखेंगे। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। धन्यवाद।